अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी कि आयरन के बारे में रिव्यू करूंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत दो नंबर ही चल रही है भाई आयरन के हिसाब से भी। तो अभी मैं आपको नेशनल, जिस पे ये लिख रहे हैं जापान और नीचे लिख रहे हैं जेपी, इसका डेमो करूंगा। इसके नीचे पैनासोनिक है, ये 101% मेड इन मलेशिया है, 100% जो है ये मेड इन मलेशिया है। तो मैं इसको एक नंबर और दो नंबर के बारे में आपको बताता हूँ। ये आयरन मैंने दोनों बॉक्स से बाहर निकाल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पैनासोनिक है ओरिजिनल, इसका मेड इन मलेशिया आपको एम्बोज हुआ नजर आ रहा है, और ये है नेशनल, इस पर एम्बोज हुआ है मेड इन जापान। और इन दोनों की वायर भी देख लें आप, नेशनल के अंदर कैसे थर्ड क्लास लगाई हुई है, जस्ट मेड इन लाहौर। और ये वायर देख रहे हैं आप, ये टोटल जो है मेड इन मलेशिया है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सीधा हाथ पे रखी हुई है नेशनल, उल्टा हाथ पे रखी हुई है पैनासोनिक। अब इनके डायल जो है ना टॉप के, इसका फर्क है, अलाइनमेंट का फर्क है। और तो जो पैनासोनिक आप देख रहे हैं, ये आपकी नॉन स्ट्राइक होती है, ये आपकी चिपकती नहीं है कपड़ों के ऊपर। और नेशनल जो है सिर्फ ये नाम ही रह गया, नेशनल के ऊपर काम कोई नहीं है। तो भाई ये देख लीजिएगा लाजमी के पैनासोनिक के अंदर भी इसी तरह जैसे कॉपी रखी हुई है नेशनल की ना, तो सेम ऐसी होती है, उसमें मोनोग्राम पैनासोनिक का होता है, मेड इन मलेशिया लिखा होता है। आपने क्या करना है, कभी भी आयरन खरीदनी है तो उसको चार नंबर पर रखिएगा और इंदर पैनासोनिक को, और एक से डेढ़ मिनट बाद टक करके आवाज आएगी, वो ट्रिप हो जाएगी। और नेशनल को ले लें या दो नंबर पैनासोनिक ले लें, उसमें वो ट्रिप होने वाला चक्कर नहीं होता है। तो इंशाल्लाह जीत भाई को नीड हो भाई तो मुझसे जरूर रब्ता करें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम अवेलेबल है हमारे पास। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।